नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा, और चलिए आपको सीधा हरियाणा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आता है कि उन्होंने एक एक योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति को सशक्त और गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। जब हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ देश के गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जो योजनाएं लोग जिसका लाभ भी उठा रहे हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो कल्पना से भी परे की हैं। अभी ये योजना जो आई है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम इस योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की सरकार, उसको जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो उनकी परिकल्पना है, उसको 100% धरातल पर उतारने का काम यह डबल इंजन की सरकार करती है। और उस योजना का जिसका उन्होंने 22 जनवरी को अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी, आज वो हरियाणा के अंदर साकार रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। इस योजना का लाभ मिलेगा, नहीं तो हम ये भी देखते थे बिजली के नाम के ऊपर भी बड़ी राजनीति चलती थी, प्रदेश के अंदर रैलियां तक होती थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, और इस प्रकार का सिस्टम होता था, मैनिफेस्टो के अंदर भी डालते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु लोग देखते थे, वोट भी दे देते थे बिजली के नाम के ऊपर, परंतु 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। परंतु जब हमने देखा एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया, मनोहर लाल जी के पास ये जिम्मेवारी थी, और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा गांव जगमग गांव, उस योजना का शुभारंभ किया। और उस योजना का शुभारंभ करते करते आज ये ध्यान में आता है कि हरियाणा प्रदेश के लगभग हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कई लोग तो इस प्रकार की बातें करते थे क्योंकि वो विपक्ष में बैठ जाते थे, विपक्ष में बैठ करके लोगों को गुमराह करते थे, कहा भाई हम सत्ता में आएंगे बिजली का बिल मत भरना और हम आकर के माफ कर देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति चलती थी, लोगों को गुमराह करते थे, और गुमराह करके उनका, गरीब लोगों का बिल भारी भरकम हो जाता था, और जब वो सत्ता में आते थे तो बिजली का बिल तो माफ नहीं कर पाते थे, परंतु झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम, इस प्रकार की राजनीति ये चलती थी। परंतु आज उस राजनीति के ऊपर भी, वो झूठ की राजनीति के ऊपर भी अगर विराम लगाने का किसी ने काम किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने उस झूठ की राजनीति के ऊपर भी विराम लगाने का काम किया। जब मैं ये देखता हूं, मैं पिछले मनोहर लाल जी की सरकार में रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री था, ये विभाग मेरे पास था, और हमने इसका शुभारंभ किया था कि जितने भी सोलर पंप हैं, मैंने उसको चेक कराया था कि हरियाणा प्रदेश में जब हमने ये योजना बनाई, उस योजना में केंद्र का शेयर था, प्रदेश का शेयर था, कुछ बेनिफिशियरी का शेयर था, मात्र 10% हम बेनिफिशियरी से लेते थे,
और हमने जब इस योजना का शुभारंभ किया केंद्र के तालमेल से, आदरणीय पीयूष गोयल जी केंद्रीय